हेलो गाइस, आज आपके लिए लाया हूँ बिंगो मैड एंगल्स। और ये दिखने में कुछ ऐसा कलर में आता है ये, तो मेरे पास फिलहाल जो है वेरी फेरी फेरी कुछ फ्लेवर में आता है जो कि थोड़ा स्पाइसी। आई थिंक उसको खोल के पता चलेगा कैसा स्पाइसी है, कैसा टेस्ट है। और नमकीन स्वाद, यहाँ पे नमकीन मतलब लिखा हुआ है बिंगो मैड एंगल्स। तो पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पीछे दिखने में कैसा है। तो यहाँ देख सकते हो 10 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, 10 रुपये में आपको मिलता है 33 ग्राम। और इंग्रेडिएंट्स की बात करिए, और राइस ग्रेड्स, सीजनिंग, रिफाइंड पालोमीन ऑयल, स्पाइसी आईडी सॉल्ट, गार्लिक पाउडर। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो आपको अगर पढ़ना हो तो। तो चलो गाइस, इसको मैं फाड़ के दिखाता हूँ, फाड़ के कटोला तो दिखाता हूँ उसमें कितना क्या मिलता है आपको। चलो गाइस, मिलते फिर अगले पार्ट में। तो गाइस, मैंने इसको फाड़ लिया यहाँ पे कैंची से, तो यहाँ दिखा सकता हूँ कि इसमें दिखने में कैसा अंदर। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिखने में कुछ ऐसे जैसे ट्राइंगल जैसी आती है मैड एंगल्स पहले से, तो वैसे दिखने में। और चलो मैं अपनी कटोरा लाता हूँ यहाँ पे, डाल के देखता हूँ इसमें कितना मिलता है एक्चुअली 33 ग्राम में। देख सकते हो यहाँ पे खाली हो चुका ऑलरेडी, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और ये मेरे सामने बिंगो मैड एंगल्स, टेस्ट करके बताता हूँ किसमें टेस्ट कैसा है। तो देख सकते हो यहाँ पे गाइस, ये कुछ ट्रायंगल दिखने में जैसा होता है, नॉर्मल जैसा आता था वैसे ही, कुछ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें। दूसरा दिखाता हूँ कैसे। तो चलो गाइस, इसमें मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट के बता दूँ उसका टेस्ट कैसा, और रिव्यू बताऊँ तो कैसा तीखा या फिर या मीठा कैसा। चलो गाइस, मैं टेस्ट करता हूँ। चलो यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ एक बार फर्स्ट में। तो गाइस, ये वाला देख सकते हो जो मैड एंगल है, एक्चुअली ये परफेक्ट मैड एंगल है, देखने में तो पूरा ट्राइंगल है। जैसे खाता हूँ, ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको मैंने खा लिया 2-3 बार, खा के टेस्ट कर लिया है। चलो फिर बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की थोड़ा हल्का टीका बनाता है इसमें खाने में। और बात करेंगे इसमें जो स्पाइसी है, स्पाइसी बहुत थोड़ा सा मीडियम है, ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं है। अगर ओवरऑल टेस्ट की बात करें, टेस्ट तो वैसे ही सभी का अच्छा होता है, मतलब कि पैकिंग जो क्वालिटी सब कुछ अच्छा रहता है इसमें। और बात करता हूँ कि अगर मैं रेटिंग की 10 में से कितना देना हो, तो 10 में से मुझे आई थिंक देना सही रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से इतना देना सही रहेगा, क्योंकि टेस्ट अगर बात अगर तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। और तो चलो गाइस, इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई अब कोई वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना मुझे। तो मिलते गाइस अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।